हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के और एक्सेस में सब फॉर्म क्यों बनाया गया, आखिरकार सब फॉर्म बनाने का क्या फायदा है आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेस को ओपन करते हैं। हमारे पास एक्सेस का 2021 है, हम इसी को ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सेस का 2021 मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सिनेरियो इस तरीके का आएगा और यहाँ से क्रिएट पे आपको करना है क्लिक, तो क्लिक करते ही ये आ जाएगा। जैसे ही आता है ये विंडो तो आपको व्यू पे क्लिक करना है और व्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर पहली टेबल का नाम आपको दे देना है। जैसे मान लीजिए पहली टेबल का नाम यहाँ पर हम दे देते हैं रजिस्ट्रेशन टेबल, रजिस्ट्रेशन टेबल, तो अंडरस्कोर लगा के टेबल लिख देते हैं। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन टेबल और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आईडी आ रही है, तो यहाँ पर ये प्राइमरी की है और प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए डेटा टाइप जो है काफी मायने रखता है, तो यहाँ पर डेटा टाइप ऑटो नंबर रखा गया है। यहाँ पर आप चाहे तो डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, तो फिलहाल हम ऑटो नंबर ही रखने वाले हैं, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, और यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट करेंगे, तो नेम अंडरस्कोर लगा के लिख रहा हूँ ऑफ स्टूडेंट, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा, तो जब भी गैप देने की बात आए तो गैप की जगह आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें दो चीजें आ गई, नेम ऑफ स्टूडेंट और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आईडी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी का डेटा टाइप हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसे व्यू पे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पर ये सिनेरियो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें प्राइमरी की हमने किसको बनाया, रजिस्ट्रेशन आईडी को। अब यहाँ पे R001 ये रजिस्ट्रेशन आईडी है और नेम ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए राम है। फिर यहाँ पे R002 ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है और दूसरा नाम युवराज है। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं R003 रजिस्ट्रेशन आईडी है और यहाँ पे अगला नाम है रितेश। तो यहाँ पे तीन नाम हमने लिख लिए। ठीक है, और भी नाम नीचे आ सकते हैं। अब इस टेबल को क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ से इसे क्लोज करेंगे, ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पर एक टेबल रजिस्ट्रेशन टेबल नाम से बन चुकी है। अब यहाँ पे दूसरी टेबल बनाएंगे, तो ये ध्यान रखना है कि एक फील्ड कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तभी रिलेशनशिप क्रिएट होगी। और ये जो है स्टूडेंट की टेबल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल कर देते हैं स्टूडेंट टेबल के नाम से। तो ये स्टूडेंट टेबल के नाम से हमने ये टेबल बना दिया और इसमें हम देंगे रोल नंबर, तो ये कर दिया रोल अंडरस्कोर नंबर, और ये इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर ऑटो नंबर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आएगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर फील्ड का नेम है वही आपको सेम इसमें भी देना है और डेटा टाइप भी सेम देना है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेकेंड वाले में यानी कि जो स्टूडेंट टेबल है हमारी, इसमें जो है इसे प्राइमरी की नहीं बनाना है, रजिस्ट्रेशन आईडी को आप प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इस तरीके से हमने कर दिया है। अब हम क्या करते हैं ना, देखिए इसमें रोल नंबर प्राइमरी की है, रजिस्ट्रेशन आईडी को तो प्राइमरी की नहीं बनाया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आता है। और सबसे बड़ी बात कि सब फॉर्म बनाने का फायदा क्या है, ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो यहाँ पर रोल नंबर 1 हो गया, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको सेम देना है, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए R001 से शुरू हुआ था, तो यही रजिस्ट्रेशन आईडी हमको यहाँ पर भी मेंशन करनी होगी। ठीक है, तो R003 कर दिया, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर इसे हम क्लोज करते हैं पहले, और अब यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन आईडी को उठाएंगे और इस रजिस्ट्रेशन आईडी के सामने लाके रखेंगे। ठीक है, और इन तीनों पे टिक करना है आपको, इन तीनों पे, तो 1-to-many रिलेशनशिप क्रिएट होगी और ये इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसमें हम सब फॉर्म बनाने वाले हैं, तो पहले तो फॉर्म बनाने के लिए जाएंगे यहाँ क्रिएट पर, और क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से हमें फॉर्म विजर्ड से जाना होगा। तो फॉर्म विजर्ड से चलते हैं और यहाँ पर दोनों ही टेबल्स हम लेंगे, तो पहले तो रजिस्ट्रेशन टेबल ले लेते हैं क्योंकि इसमें हमारे दोनों रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन आईडी है और स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल से हम रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं लेंगे, केवल रोल नंबर लेंगे। ठीक है, तो ये रोल नंबर ले लिया हमने, फिर यहाँ पे गए और देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सब फॉर्म आपको डिस्प्ले हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक सब फॉर्म पे टिक हुआ मिलता है आपको। अगर आपका लिंक्ड फॉर्म पे टिक है तो आप सब फॉर्म पे टिक कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन वाली जो टेबल है उसको हम प्राथमिकता देंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ से जो है मॉडिफाई कर सकते हैं हम चाहे तो इसको। तो ये कुछ इस तरीके से सब फॉर्म बनेगा आपका। ठीक है, अब सब फॉर्म बनने का फायदा क्या है ये भी देखना जरूरी, क्योंकि सब फॉर्म तो हमने बना लिया लेकिन इसका एडवांटेज कुछ अभी तक पता नहीं चला। तो अभी एडवांटेज आपको पता लगेगा कि इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसको एक शेप में लेके आते हैं
और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी ये जो है काफी बड़ा हो गया है, तो इसको छोटा कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से जाकर के इसे छोटा करेंगे, ठीक है। अब ये काम हो गया है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल ए करना है या फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा डार्क इसे करेंगे यानी कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ से जा सकते हैं आप और यहाँ पर ये कलर ले सकते हैं और इसे बोल्ड भी बना सकते हैं, तो यहाँ से बोल्ड बना लिया, ठीक है। इसी तरीके से ये भी है, तो ये सब कर लेने के बाद क्या करना है, ये सब कर लेने के बाद व्यू पे जाना है और व्यू पे जाते ही आपको ये दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। अब सब फॉर्म बनाने का फायदा शायद आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसी फॉर्म के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी भी दिख रही है और स्टूडेंट का नेम भी दिख रहा है। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर फायदा यहां से चेंज करेंगे तो यहां से ये चेंज हो जाएगा, देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं, 2 हो गया 3 हो गया। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि आखिरकार सब फॉर्म बनाने का फायदा क्या है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे कि रिपोर्ट जब जनरेट करेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपको एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। यही फायदा है सब फॉर्म बनाने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये सब फॉर्म बनाने का क्या फायदा है, ठीक है ना।